रात्रि लगभग 10:30 बजे नागेश दुबे पुत्र श्री मानिक दुबे निवासी सुल्तानपुर थाना बक्सा के साथ लूट की घटना होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना के पश्चात श्री नागेश दुबे से घटना के संबंध में वार्ता की गई। श्री नागेश दुबे द्वारा बताया गया कि जनपद रायबरेली में मानिक चंद ज्वेलर्स के नाम से उनकी दुकान है। वो कल लगभग 12:30 बजे रायबरेली से डायमंड और प्लेटिनम की लगभग 1,70,00,000 की ज्वेलरी लेकर बनारस के लिए चले थे। बनारस में उन्होंने चेत मनी ज्वेलर्स के यहाँ लगभग 8,00,000 की ज्वेलरी सप्लाई की। तत्पश्चात वो जौनपुर लगभग 8:45 बजे पहुँचे और गहना कोठी ज्वेलर्स को 3,00,000 रुपए की डायमंड ज्वेलरी की सप्लाई की। शेष ज्वेलरी की सप्लाई उन्हें छगन लाल सेठ ज्वेलर्स को करनी थी, किंतु अधिक देर हो जाने के कारण वो अपने घर के लिए चले गए। वो सियाज गाड़ी से थे और श्री नागेश दुबे के अनुसार जब वो अपने घर के रास्ते पर थे तो ग्राम बसारतपुर के पास एक बाइक पर सवार दो व्यक्तियों द्वारा उनकी गाड़ी में पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसके बाद उन्होंने गाड़ी में ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक दिया। इसके बाद एक लुटेरे ने ईंट से उनकी कार के बाएं दरवाजे को तोड़ दिया और उनके बाह में गोली मार दी। गोली मारने के पश्चात उनका ज्वेलरी का बैग लुटेरे ने अपने कब्जे में ले लिया और उसमें रखे डिब्बे से ज्वेलरी निकालकर एक अंगोछे में बांधकर लुटेरे बक्सा की ओर फरार हो गए। घटना के संबंध में श्री छगनलाल सेठ के पुत्र श्री विमल सेठ से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि उन्होंने नागेश दुबे को 1,70,00,000 की डायमंड और प्लेटिनम ज्वेलरी का कोई ऑर्डर नहीं दिया था। श्री नागेश दुबे ज्वेलरी लेकर आते थे और वो उनसे ज्वेलरी लेते थे, लेकिन इतने अधिक मूल्य की ज्वेलरी उन्होंने कभी नहीं ली थी। उनके अनुसार वो लगभग 3 से 4 लाख रुपए की ज्वेलरी लेते थे। घटना के समस्त तथ्यों को एकत्रित किया जा रहा है। ये भी संज्ञान में आया है कि श्री नागेश दुबे बंबई के किसी ज्वेलर के एजेंट हैं जो वहाँ से ज्वेलरी मंगाकर विभिन्न दुकानों में सप्लाई करते हैं। इस घटना के समस्त तथ्यों को संकलित किया जा रहा है। इस संबंध में कई टीमें बनाकर कार्य किया जा रहा है। घटना के संबंध में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त करने के लिए एक उपनिरीक्षक को वाराणसी भेजा गया है।